नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, जैसे जैसे एक एक साल, एक एक महीना, एक एक दिन बढ़ता जाता है, उसी तरीके से हमारे सभी मन की जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है कि आने वाला वर्ष, आने वाला महीना, आने वाला दिन हमारे लिए किस प्रकार से जाने वाला है, क्या ऐसी चेंजेस हमारी लाइफ के अंदर आने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारा करियर अच्छा चल रहा है वो डगमगा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं जो परिस्थितियां हमारे लिए खराब चल रही हैं वो वैसी की वैसी ही चलती रहेगी, या किस हिसाब से हम प्लान करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। महीना चेंज होते ही, वर्ष चेंज होते ही, या दिन चेंज होते ही। तो अब हम जो चर्चा करेंगे, ये हमारी वीडियोस रहेंगी सितंबर के महीने की 12 राशियों के ऊपर आधारित। और मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ ये 12 राशियां जो होती है वो असल में होती क्या है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है हमारी राशि वो होती है। इसको आपको अन्यथा नहीं लेना, आपको ऐसा नहीं सोचना कि आपका 21 मार्च से 19 अप्रैल तक जन्म हुआ तो आपकी मेष राशि है। बहुत से लोग न्यूज़पेपर्स में ये चीजें पढ़ते हैं और इस भ्रांति का शिकार रहते हैं कि हमारी राशि मेष है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में तो आपकी राशि मेष है। और नाम राशि का भी प्रभाव इतना नहीं पड़ता, आपको चंद्रमा को समझना होगा। आपका बॉर्न जब होता है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो राशि होती है, उसी के अनुसार आपके फलादेश होते हैं। और एक चीज मैं आपको विस्तार से और बताना चाहता हूं, ये सामान्य जानकारी होती है आपकी राशि के अनुसार। अगर आपको कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराना होता है, उसके लिए आपको दशा, अपने सब डिविजनल चार्ट, ये सारा कुछ दिखाना होता है, तो ये उससे आपको और बेहतर और डीपली आपको चीजें आपके जीवन के बारे में पता चलती है। मैं ये नहीं कहता कि इसका प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा। तो विशेष तौर पे हमें इस महीने के अंदर अपने पितरों को पूजना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, और कोई भी शुभ कार्य करना सही नहीं रहेगा, आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जहां तक मुहूर्त का बात रही, कहीं ना कहीं देखिए 1, 2, 9 और 12 तारीख केवल और केवल वाहन लेने के लिए शुभ है, विशेष तौर पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपने पितृ पक्ष में क्या करना है, जब भी तिथि आपकी किसी पितृ की आती है, जो श्राद्ध बेसिकली होता है जब कि जिस तिथि पे उनकी मृत्यु हुई थी, जिस दिन वो तिथि है सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष में, उस दिन आपने उनकी पसंद का खाना गरीबों में बांटना है, ब्राह्मण को बांटना है, उनकी तस्वीर के आगे मनोकामना मांगनी है कि हमसे जो भी भूलचुक हुई हो आपके जीते हुए, या अभी आपके शरीर को त्यागने के बाद जो हमसे भूलचुक हुई है उसको क्षमा करिए, हमारे जीवन को बेहतर बनाइए, और हमसे कोई गलती होने वाली है तो उसके लिए हमें पहले ही आगाह कर दीजिए। तो ऐसी मनोकामना करिए, ब्राह्मण से जाके पूजा कराइए, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की शांति के लिए कहीं ना कहीं मनोकामना मांगिए, यकीन मानिए उनका आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। तो पूरा अगर सितंबर का महीना देखा जाए वो इस तरीके का है। शुभ कार्य करना थोड़ा सा एक वर्जित माना जाएगा कहीं ना कहीं श्राद्ध पक्ष के कारण। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तुला राशि के जातकों के लिए जो सितंबर का महीना है वो थोड़ा टफ जाने वाला है। मतलब जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है आपके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति है जो आपको रिश्तों को विशेष तौर पर प्लान करके चलना पड़ेगा। अगर आप रिश्तों को विशेष तौर पर प्लान करके नहीं चलेंगे तो आपके संबंध आपस में, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या पति पत्नी है, वो विशेष तौर पर बिगड़ते चले जाएंगे। मतलब जो वाद विवाद की स्थिति है वो बेमतलब की होगी, आपको खुद नहीं समझ आएगा कि झगड़े जो हो रहे हैं हमारे बीच में या मिसअंडरस्टैंडिंग जो बन रही है वो किस लिए बन रही है, लेकिन वो बनती चली जाएगी। तो विशेष तौर पे तुला राशि के जातकों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से टफ साबित हो सकता है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह अच्छे नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आप अगर बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको लाभ होना, इंटरव्यू आपका हो सकता है, उसमें सिलेक्शन हो सकता है, इस तरीके के योग बन रहे हैं, और इनफैक्ट सैलरी भी आपको अच्छी मिल जाएगी, डेजिग्नेशन भी अच्छी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए अगर देखा जाए सितंबर का महीना अच्छा है। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, आपको चीजों को आराम से अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो वैसी गड़बड़ आपके साथ हो सकती है, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके की ग्रह स्थिति बन रही है, आपके
वाद विवाद ज्यादा होंगे, आपके पुराने जो क्लाइंट है उनके साथ भी कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो विशेष तौर पे तुला राशि के जातकों को ये चीज को ध्यान रखना है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए, देखिए कहीं ना कहीं करियर और फाइनेंस एक ही परिस्थिति है, तो आप समझ जाइए कि थोड़ा सा टफ रह सकता है टाइम व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि जॉब के लिए अगर मैंने बताया कि सैलरी अच्छी हो सकती है या वो, तो वो लाभ अलग चीज है, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल टफ रह सकता है क्योंकि आपकी क्लाइंटेड टूट सकती है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। ट्रैवलिंग आपकी होगी, विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं, प्रयास करिए तो विदेश यात्राएं होंगी और कामकाज को लेके होंगी विशेष तौर पर, आपके लिए लाभकारी साबित भी होंगी, तो ट्रैवलिंग के अच्छे योग बनते हैं। एजुकेशन में मन कम लग सकता है, मन विचलित होगा, मन उचाट होगा जब आप पढ़ने बैठेंगे। मान लीजिए आपने कोई सितंबर में एग्जामिनेशन देना है, तो आपका मन पहले ही उचाट होना शुरू हो जाएगा कि मैं पढ़ नहीं सकता या पढ़ नहीं सकती, या मन बेचैन होगा, तो विशेष तौर पर आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। माइंड को फोकस करिएगा करियर पे, एक कह लीजिए, या पढ़ाई पे, एजुकेशन पे फोकस करने की आपको कोशिश करने की जरूरत है। ये बात हुई एजुकेशन से संबंधित। संतान प्लान करने के लिए अच्छा मंथ है, कहीं ना कहीं अगर आप प्लान करना चाहते हैं तुला राशि के जातक तो कर सकते हैं, और ऑलरेडी जिनकी संतान है देखिए उनके साथ संबंध मधुर रहेंगे, कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए कुछ चीजों में अच्छी चीजें आपके साथ हो रही है, कहीं पे थोड़ा खराब है, क्योंकि जीवन का नाम देखिए यही है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हमारे जीवन में रहता ही रहता है, कभी ऐसा नहीं होता कि देखिए सारी चीजें हमें परफेक्ट मिल जाए, एक चीज अच्छी होती है तो एक खराब हो सकती है। तो ये तुला राशि के बारे में जानकारी थी, कुछ सामान्य में टिप्स भी आपको देना चाहूंगा। अंक 6 का जितना हो सकता है पूरा महीना प्रयोग करिएगा, सफेद रंग, नीला रंग, गुलाबी रंग जितना हो सकता है इस्तेमाल करिएगा, इस रंग के हैंकी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, विशेष तौर पे आपको लाभ होगा। विष्णु जी की आराधना करने से भी शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। अगर आप चाहे लेडीज या जेंट्स भी, इनफैक्ट अगर आप चाहते तो फ्राइडे का फास्ट भी रख सकते हैं, उससे विशेष तौर पर आपको लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं परिस्थितियां बेटर होंगी। मूलांक 6 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अंक है, अगर इसका आप प्रयोग करेंगे तो भाग्य आपका चमकेगा, साथ देगा। प्रयोग कैसे करना है, या तो आप इसका वॉलपेपर लगा लीजिए या अपने हाथ के ऊपर इस अंक को लिखे, जितना हो सकता है मतलब इस अंक को अपने इर्द गिर्द रखेंगे उतना आपका भाग्य चमकेगा, उतना आपका भाग्य साथ देगा। तो विशेष तौर पर इस तरीके के योग निर्माण होते हुए नजर आ रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये जो टिप्स है अगर आप फॉलो करते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी टिप्स को भी अगर आप फॉलो करते हैं कोई भी किसी भी राशि के लिए जैसे मैंने बताई है, तो यकीनन उसमें लाभ मिलता है। जो आपके लिए स्थिति खराब बन रही होती है उससे कहीं ना कहीं बचाव होता है, तो रेमेडी बेसिकली इस वे में आपके लिए काम करेगी। तो तुला राशि के जातकों जो चीजें मैंने बताई उनको ध्यान में रखिएगा, इन रेमेडीज को फॉलो करिएगा, विशेष तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो ये जानकारी थी तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने की। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तब तक के लिए इजाजत लेते हैं तुला राशि के जातकों से। तो उम्मीद करता हूं दर्शकों आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसको जैसे प्यार आप पहले देते हैं, जैसे आपका आशीर्वाद प्यार कह लीजिए कि हमें मिलता है, उसी तरीके से इस वीडियो के ऊपर भी, इन वीडियोस के ऊपर भी मिलेगा। आप सभी से जाने से पहले अनुरोध मेरा यही रहेगा, हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आप तक, आपके अपनों तक ये वीडियोस पहुंचेंगी और सबका भला होगा कहीं ना कहीं। देखिए ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, अगर हम इसका सहारा लेते हैं तो अपने जीवन को यकीनन हम बहुत ही ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, और चीजों को उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके चलते हैं तो हमें जीवन में चोट खाने के मौके बहुत कम मिलते हैं। तो अनुरोध आप सभी से मेरा यही रहेगा, चैनल को, हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को या अन्य और लैंग्वेज में जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। नमस्कार। Astro Yogi, India's number one live astrology app.